नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MBD ज्ञान में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार वीडियो एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जो दो राज्यों की सीमा में स्थित है। आपको सुनकर बेशक हैरानी होगी पर यह बिल्कुल सच है। भारत में भवानी मंडी स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें ट्रेन का इंजन एक राज्य में तो ट्रेन के गार्ड का डिब्बा दूसरे राज्य में खड़ा होता है। यह अनोखा रेलवे स्टेशन अपनी तरह का अकेला रेलवे स्टेशन है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के अंतर्गत आता है। रेलवे स्टेशन के एक छोर पर राजस्थान का बोर्ड लगा हुआ है और दूसरे छोर पर मध्य प्रदेश का राज्य का बोर्ड लगा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन दो राज्यों की सीमा पर बना हुआ है। इस रेलवे स्टेशन की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ का बुकिंग काउंटर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, तो स्टेशन में प्रवेश का रास्ता और वेटिंग रूम राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। इतना ही नहीं, और भी मजेदार बात तो यह है कि यहाँ पर टिकट की लाइन मध्य प्रदेश में शुरू होती है और लोग राजस्थान तक खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई निर्जन या कम व्यस्त रहने वाला स्टेशन हो। प्रतिदिन यहाँ करीब 44 गाड़ियाँ रुकती हैं और भवानी मंडी रेलवे स्टेशन से 350 से अधिक स्टेशन सीधे जुड़े हुए हैं। यहाँ हर दिन करीब 8 से 10 हज़ार यात्रियों का आना जाना होता है। यह स्थान अनाज मंडी के लिए मशहूर है तथा साथ ही भारत में नागपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा संतरा उत्पादक केंद्र है। जाहिर है व्यापारियों का आना जाना यहाँ बना रहता है। दो राज्यों के बॉर्डर पर पड़ने की वजह से ट्रेन से सफर करने वाले यात्री भी खूब मजे लेते हैं। यहाँ का सबसे मजेदार चुटकुला है कि एक ही ट्रेन में परिवार बैठा हुआ है लेकिन आधा परिवार मध्य प्रदेश में है और आधा राजस्थान में है। लोग ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि वे मध्य प्रदेश में उतरे थे और पानी पीने राजस्थान गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले यात्री अक्सर ये भी कहते हुए मिल जाते हैं कि आए तो थे मध्य प्रदेश और राजस्थान भी घूम लिए। सेल्फी के शौकीन लोग यहाँ पर इस अनोखे रेलवे स्टेशन के साथ सेल्फी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी मज़ेदार है। रेलवे स्टेशन पर कोई घटना होने पर जिस राज्य की सीमा की बात होती है उसी राज्य की पुलिस उस मामले को देखती है।